आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे की जा सकती है। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। यह पंजीकरण 9 मई तक जारी रहेगा। यह यात्रा 8 जून से 8 सितंबर के बीच होगी। यात्रा के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा पारंपरिक लिपु लेख दर्रे और मोटरला नाथुला दर्रे वाले मार्गों से की जाएगी। इस वर्ष लिपु लेख दर्रे के पारंपरिक मार्ग से 60-60 यात्रियों के 18 जत्थे जाएंगे। यात्रा की लागत 1,80,000 रुपये प्रति यात्री होगी। यात्रा 24 दिन में पूरी होगी, जिसमें 3 दिन दिल्ली में तैयारियों के लिए रुकना भी शामिल है। यात्रियों को रास्ते में ओम पर्वत के भी दर्शन होंगे। नाथुला दर्रे वाला मार्ग सिक्किम से होकर जाता है, जिसमें यात्रियों को मोटर वाहन से जाने की सुविधा होती है। यह मार्ग बुजुर्ग यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक है। इससे होकर जाने वाले यात्रियों को 2.5 लाख प्रति यात्री व्यय करना होगा। इस मार्ग से 21 दिन में यात्रा पूरी होगी। इस मार्ग से 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे जाएंगे। आवेदकों में से यात्रियों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाता है। पहली बार जाने वाले डॉक्टरों, विवाहित युगलों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक विदेश मंत्रालय की कैलाश मानसरोवर यात्रा संबंधी वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार द्वारा इस यात्रा का प्रबंध किया जाता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.